हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ प्रीति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और कल है नागपंचमी और उसी की प्रिपरेशन मैं यहाँ कर रही हूँ। तो आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी बधाई हो। और आज मैं आप सबों के साथ नागपंचमी का एक छोटा सा ब्लॉग है वही शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है क्योंकि कल है नागपंचमी, तो कुछ डिश भी बनानी है घर में, सबके घर में बनती है तो हमारे यहाँ भी बनेगी। तो उसके लिए मैंने सारे सामान को यहाँ कलेक्ट करके रख लिया है और रात में ही मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। सिर्फ मॉर्निंग में मुझे इनको तलना होगा और कुछ नहीं करना होगा। तो मैंने सब कुछ देखिए रात में ही कर लिया था। तो ये देखिए ठेकुए का आटा है और ये है मठरी नमकीन वाली जो बनती है, और ये है मालपुआ का बैटर, वो भी तैयार है। और मैंने यहाँ पर फ्राई करना शुरू कर दिया है। और ये है गुलगुला, जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि ये आटा और गुड़ का बना होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, अच्छा होता है। और जिन्हें डायबिटीज़ है वो भी इसे खा सकते हैं। तो और ये नुकसान भी नहीं करता क्योंकि इसमें चीनी नहीं पड़ा होता, गुड़ पड़ा होता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मालपुआ। और मैंने आपको सारी रेसिपी इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको सारी रेसिपी देखनी है कि मैंने क्या क्या बनाया है और कैसे बनाया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैंने सारा काम अपना कर लिया है और अब हम तैयार हो रहे हैं पूजा करने के लिए। तो आज नागपंचमी है तो आज के दिन ग्रीन कलर का कपड़ा मैंने पहना है और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की चूड़ी पहनी है, कांच की चूड़ी है। कहते हैं ना पूजा वूजा करिए तो उसमें कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। और पैर में जो लोग सुहागन है उन्हें पैर में रंग या जो आलता होता है वो ज़रूर लगाना चाहिए। और यहाँ हमारे यहाँ जो नागपंचमी पूजा होती है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये धान का लावा। तो वही लावा मैं यहाँ पर भून रही हूँ। धान कढ़ाई जब गर्म हो जाती है बस आपको धान को उसमें डालना है और इस तरीके से चलाते रहना। देखिए लावा इस तरीके से फूट करके और निकलने लगता है। जब ये फूटने लगता है ना तो इसको हल्का सा किसी प्लेट से हल्के से ढक लीजिए, नहीं तो ये छटक छटक के बाहर निकलने लगता है। तो लावा मेरा भुन गया है और अब हम लोग करते हैं पूजा की तैयारी। तो पहले मैं घर के अंदर जो मंदिर है उसमें पूजा करूँगी, उसके बाद बाहर जो मेरे शंकर जी हैं, भोलेनाथ हैं, उनकी पूजा करूँगी। तो देखिए पूजा के लिए मैंने थाली तैयार कर ली है और यहाँ पे देखिए चना है और वही लावा, दूध, तेल, चावल, फूल और चंदन और दिया। और यहाँ पे देखिए लोटा में जल और ये भगवान जी के लिए भोग है, सब्जी और मालपुआ और गुलगुला, ठेकुआ, मठरी, चावल, पूड़ी और पानी। तो मैंने भगवान जी के लिए भी खाना निकाल के रख दिया था। और अब हम लोग चलते हैं पहले पूजा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया जला दिया है और जो पूजा करनी है अंदर पहले उसे कंप्लीट कर लेंगे पूजा, और उसके बाद हम लोग बाहर पूजा करने जाएंगे। पूजा हो चुकी है पूरी और मैंने आरती भी कर ली। आप भी आरती ले लीजिए, भगवान जी आपको सुख समृद्धि दें और सबके घर में खुशियाँ बनी रहें। और अब चलते हैं बाहर। तो देखिए मैंने यहाँ पर भगवान जी पे जल चढ़ा दिया और उन्हें दूध से अभिषेक कर रही हूँ। कहते हैं ना मन चंगा तो पटौती में गंगा। जितना हो सकता है आपसे आप उतना करिए, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे भी जितना हो सकता है मैं उतना ही करती हूँ और बस जो करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने सब भगवान जी को फूल से सजा दिया है और तिल, चावल और जो लावा भुना था वो और कच्चा चना ये हम भगवान जी के ऊपर चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तिल, चावल, कच्चा चना और धान का जो लावा है और दूध ये बहुत ज़रूरी होता है। ये इतनी चीज़ें पूजा में ज़रूर चढ़ती हैं और आपके यहाँ भी जैसे होता हो आप कर सकते हैं पूजा। और हाँ, आपके यहाँ कैसे होती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो भगवान जी की पूजा यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है और
ये बाहर के हैं शिव जी और ये ही घर के अंदर के हैं। और अब चलते हैं घर में। और ये देखिए जो भगवान जी को चढ़ाया गया था ना लावा चना दूध, उसको हम लोग क्या करते हैं घर में सब पूरे घर में हर जगह मतलब इस तरीके से छीट दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना इसको छीटने से ना घर में छिड़काव करने से जो कीड़े मकोड़े सांप ये सब नहीं आते हैं, तो ये मान्यता है यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैं भी कमरे में सब जगह इसको डाल रही हूँ। त्यौहार छोटा हो या बड़ा हमेशा उसे मनाया करिए, अच्छे से मनाया करिए। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें खुशियाँ देती हैं, तो इसलिए आप हर त्यौहार को ज़रूर सेलिब्रेट किया करिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। बाय बाय, टेक केयर।